अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शराफत अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल शराफत यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप परफेक्ट मनी का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। परफेक्ट मनी का अकाउंट दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसमें सारी करेंसीज में आप अपनी जो पैसे हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी जगह पे आप परफेक्ट मनी के किसी भी मुल्क में जाके उस मुल्क की करेंसी में आप पेमेंट ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इसका अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है परफेक्ट मनी का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक करके तो इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो वो लिंक सीधा आपको इस पेज पर ले आएगा और यहाँ पे आके आपने मतलब के अकाउंट को क्रिएट करना है। तो आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या आपने चीज़ें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी आपको मतलब के परफेक्ट मनी का अकाउंट बनाने के लिए और उसको सेव करने के लिए, तो वही आज आपको सारी अच्छी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर आपने देना होता है अकाउंट नेम अपना। अकाउंट नेम अपना कोई भी दे सकते हैं, आप ओरिजिनल नेम भी दे सकते हैं या कोई अपना मतलब कि कंपनी का नेम भी दे सकते हैं। तो मैं इधर कोई भी नेम दे देता हूं। तो मैंने अपना नेम दे दिया है यहाँ पे। तो आपने भी अपना जो कंपनी नेम दे सकते हैं या कोई अपना जो कोई भी आपकी कंपनी का नेम है या अपना नेम आप फुल नेम इधर लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने देना होता है फुल नेम, ठीक है, अपना फुल नेम इधर लिख देना आपने। उसके बाद देख तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सिटी का नेम, अपने ओरिजिनल सिटी का नेम आपने लिखना है। इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपने बिल्कुल इधर ओरिजिनल लिखनी है, इस यहाँ पर आपने कोई फेक जो है इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाता है एड्रेस का, एड्रेस आपने ओरिजिनल अपना यहाँ पे दे देना है, कंट्री भी दे देनी है और दोस्तों पोस्टल कोड आपने अपने सिटी का दे देना है। सिटी का कोड अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल सर्च में आके आपने लिख देना है, जैसा कि लाहौर का सर्च कर लेते हैं पोस्टल कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो लाहौर का पोस्टल कोड आप देख सकते हैं, लाहौर के ये पोस्टल कोड है सारे। तो यहाँ पे आप कोई भी कोड अपने सिटी का सिलेक्ट करके, जो आपके सिटी का कोड आएगा उसको कॉपी करके इधर से और यहाँ पे आके पोस्टल कोड में जिप पोस्टल कोड में दे सकते हैं। जिप भी एक ही कोड होता है, जिप कोड भी पोस्टल कोड को ही कहा जाता है। पोस्टल कोड वो होता है दोस्तों जहाँ पे आपका जो है मतलब पोस्टल कोड आपके डाकखाना या मतलब के जो भी वहाँ का कोड होता है आपके कंट्री का, वो उसको पोस्टल कोड कहा जाता है, जिप कोड कहा जाता है। और नीचे आपने अपनी ईमेल दे देनी है, ईमेल आपने वो देनी है जो आपके मतलब के इस्तेमाल में हो, जो आप मतलब के यूज़ करते हों। और नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है और नीचे आपने सेलेक्ट कर लेना है पर्सनल अकाउंट और नीचे आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपने ये जो करेक्टर लिखे हुए हैं ट्रेनिंग नंबर तो आपने वहाँ यहाँ पे लिख देने हैं। और उसके बाद आपने करना है आई एग्री के ऊपर क्लिक तो और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पुट हो चुकी है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पे आपने अपने नंबर के आगे जो है +92 लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपना जो है एग्री के ऊपर क्लिक करना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू कम्युनिटी ऑफ परफेक्ट मनी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर अकाउंट इज कंप्लीटेड और परफेक्ट मनी हैज सेंट यू ईमेल विद योर मेंबर आईडी, ठीक है। यूज इट टू लॉग इन द मेंबर एरिया, वी आर ग्लैड टू सी यू मेंबर ऑफ योर सिस्टम, ओनली फास्ट एंड सिक्योर सर्विस योर कन्फर्म, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने
मैं इसको पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, लॉगिन करना होता है, ठीक है। तो आपने अपनी ईमेल एड्रेस चेक करनी है, जो ईमेल आपने इधर दी होगी तो उसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे ईमेल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं परफेक्ट मनी की जो ईमेल मेरे पास आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं वेलकम टू परफेक्ट मनी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे आईडी दी गई है, तो ये मेरी आईडी जो है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब पूरी ज़िंदगी यही आईडी आप यूज़ करेंगे परफेक्ट मनी के अकाउंट के लिए। तो आपने इसको कॉपी करके अच्छे तरीके से दोस्तों कहीं पे सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद फिर आपने मतलब के इसको लॉगिन करना है, अपने अच्छे तरीके से इसको रख लेना है, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं इसको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और मेल उन्होंने की है, रिटर्न डिपॉजिट ऑप्शन लिस्टेड कॉन्टैक्ट सर्टिफाइड पार्टनर लिस्टेड, अच्छा ठीक है। तो आपने इसको लॉगिन करना है, लॉगिन करना तो आप देखें कि यहाँ पे आपने आ जाना है पहली ईमेल में, और यहाँ पे जो आपकी इन्होंने आईडी सेंड की हुई है आपको, इसको आपने कॉपी करना है और आपने आ जाना है परफेक्ट मनी के अकाउंट में, और यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने वो आईडी देनी है। तो यहाँ पे हम इसको करेक्टर को लिख लेते हैं 9175312, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके ये जो अकाउंट है, आपका ये अकाउंट है और यूएस डॉलर का ये अकाउंट है और यूरो का ये है, और तरोशी का जो होती है तरोशी का ये अकाउंट है आपका, और आप और भी इधर ऐड अकाउंट करके क्लिक करके अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है, डिटेल वगैरह सारी दी गई है। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी चेक ऑफ SMS लॉगिन, ठीक है, कोड कार्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि मतलब कि करंट अकाउंट सिक्योरिटी सेटिंग, मतलब कि ये सारी सेटिंग आप करेंगे तो आपका अकाउंट फुल सिक्योरली हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपने जाना क्या है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके अकाउंट के मुताबिक ही। तो यहाँ पे आपने आके आप आएंगे इंटरनेट हिस्ट्री के ऊपर, और आप माई अकाउंट में आएँ। माई अकाउंट में आए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको देख सकते हैं कि ये आईडी है, अगर आपने कहीं से भी दोशीश किसी से मतलब के बाई करनी है तो आपने ये अकाउंट अपना देना है, ये नंबर आपने कॉपी करके सेव कर लेना है, आपने ये नंबर जो है कॉपी करके तीनों सेव कर लेने हैं। अगर किसी से आपने डॉलर बाय करने हैं तो आपने ये अकाउंट देना है आपका, अपना ये नंबर देना है, यू से ये शुरू हो रहा है तो आपने ये नंबर देना है, और किसी को भी नंबर आप किसी से भी डॉलर बाय करेंगे तो आपने उसको ये नंबर अपना दे देना है, वो नंबर आपके इस नंबर पे डॉलर सेंड कर देगा, वो सीधे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी से यूरो बाय करने हैं तो आपने ये कोड देना है और वो आपके अकाउंट में सीधे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। मज़ीद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर आपने इसको मतलब के करना है आगे सिक्योरिटी लगानी है तो आप इस पर और भी वर्क कर सकते हैं दोस्तों, तो आप इसको बड़े आसानी के साथ इसको सेव कर सकते हैं। तो डिपॉजिट हम करें, डिपॉजिट में जाएं तो डिपॉजिट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ों से डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक से, बैंक वाइज से कर सकते हैं, ई वोचर्स। ई वोचर दोस्तों होता है कि मतलब कि आप आपके जो अकाउंट में जो पेमेंट होती है आप उसको ई वोचर्स में तब्दील कर लेते हैं, और ये ई वोचर पूरी ज़िंदगी के लिए होता है जब तक आप यूज़ नहीं कर लेते। अगर आपने अपने डॉलर किसी को सेल भी करने हैं तो आप उसका ई वोचर बनाएंगे,
मतलब कि 200 डॉलर का अगर बनाना चाहते हैं, 100 डॉलर का, 20 डॉलर का, तो आप ई वाउचर बनाएंगे और उसको उसका लॉगिन पासवर्ड सेंड कर देंगे और वो अपने अकाउंट में लगाएगा तो उसका जो है मतलब कि बैलेंस उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों से आप क्रेडिट एक्सचेंज के ज़रिए भी कर सकते हैं, बिटकॉइन के ज़रिए भी आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। अगर हम विदड्रॉ में आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदड्रॉ भी आप इन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं, बैंक वायर से कर सकते हैं, ई वाउचर्स के ज़रिए कर सकते हैं, ई करेंसी के ज़रिए कर सकते हैं और ग्रेफाइट एक्सचेंज पार्टनर के ज़रिए कर सकते हैं, बिटकॉइन के ज़रिए कर सकते हैं और क्रेडिट एक्सचेंज के ज़रिए कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। तो आपने दोस्तों अपना जो है सेंड मनी में अगर आ जाएं तो सेंड मनी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपने जो है सेंड मनी अपने जो करने हैं, प्लीज़ चूज़ अकाउंट टू सेंड मनी, मतलब कि यहाँ से आपने अकाउंट चूज़ करना है और आपने जो है किसी को भी सेंड कर देने हैं मनी। तो दोस्तों आप अगर हम आ जाएं कि करेंसी एक्सचेंज में आ जाएं तो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं आप, अपनी किसी भी मुल्क की करेंसी जो है आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे आपने अमाउंट मतलब के डालनी है और उसके बाद आपने डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि यहां पे आपने अगर यूरो को यूएसडी में तब्दील करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर हम यूरो को गोल्ड ट्रॉय में करना चाहते हैं, यूएस डॉलर को यूरो में करना चाहते हैं, यूएस डॉलर को गोल्ड ट्रॉय करना, मतलब कि जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से आपने सेलेक्ट करके और आपने प्रीव्यू एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी जो करेंसी है चेंज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपके सारे रेट वगैरह बताए जाएँगे जो रेट चल रहे होंगे करेंसीज के। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ भी चल रहा है और एक मंथ के अंदर कैसा मतलब के ट्रेंड रहा है वो भी आपको सारी समझ आ रही होगी, आप अपने अकाउंट में सारी अपनी देख सकते हैं हलचल। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आप लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जो भी लैंग्वेज आप सपोर्ट करते हैं, जो लैंग्वेज आपको सपोर्ट करती है, जो लैंग्वेज आप जानते हैं उस लैंग्वेज को आप इधर सेलेक्ट करके मतलब कि अपने अकाउंट को लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम अब देख सकते हैं कि तकरीबन मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, अगर स्टेटमेंट में आ जाएं तो स्टेटमेंट में आते हैं तो यहाँ पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन आपको आएंगी तो डिपॉजिट करेंगे या मतलब कि आप किसी को पैसे सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी तफसील बताई जाएगी, मतलब कि जिस तरह से भी आप चेक करना चाहते होंगे यहाँ से आप डेट चेक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप एंड डेट सेलेक्ट करेंगे और आपको उसका सारा डाटा बता दिया जाएगा कि आपने इतनी ट्रांजैक्शन इस टाइम की है और इतनी इस टाइम की है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एनालाइज में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है हेडलाइंस अपने इन्होंने बताई हुई है फाइनेंशियल, अच्छा वर्ल्ड मार्केट रेट्स आपने इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं और इन्होंने अपना सारा मतलब कि इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है इधर, सारा कुछ लिखा है, ठीक है। तो इंटरनल मेल के ऊपर हम अगर आ जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप इंटरनल मेल के ऊपर सेंड SMS टू एनी मोबाइल फ़ोन और कंपोज न्यूट्रिक टिकट हिस्ट्री, मतलब कि आप काफ़ी सारे बेनिफिट दोस्तों आप यहां से ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अकाउंट आप क्रिएट कर सके, यहां से आप मतलब कि अपने पैसे को सेव कर सकते हैं बढ़िया। तो चेंज सिक्योरिटी सेटिंग्स अब अगर हम क्लिक करें तो यहां से हम चेंज सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर क्लिक करके सिक्योरिटी जो अपनी चेंज कर सकते हैं, अगर हम SMS लगाना चाहें या मतलब कोड लगाना चाहें, API लगाना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।